धन्यवाद मां जी, आपको भी। नमस्कार भैया। साथियों, अरुणाचल के लोग इतनी आत्मीयता से भरे होते हैं कि उनसे बात करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। युवा संगम में ग्यामर जी का अनुभव तो बेहतरीन रहा। आइए अब बिहार की बेटी विशाखा सिंह जी से बात करते हैं। विशाखा जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम और मेरे साथ सभी डेलीगेट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा विशाखा जी, पहले अपने बारे में बताइए, फिर मुझे युवा संगम के विषय में भी जानना है। मैं बिहार के सासाराम नाम के शहर की निवासी हूँ और मुझे युवा संगम के बारे में मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज के थ्रू पता चला था सबसे पहले तो। उसके बाद फिर मैंने पता करा इसके बारे में और डिटेल निकाली कि ये क्या है, तो मुझे पता चला कि ये प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम एक भारत श्रेष्ठ भारत के थ्रू युवा संगम है। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करा और जब मैंने अप्लाई करा तो मैं एक्साइटेड थी इसमें ज्वाइन होने के लिए, लेकिन जब मैं वहां से घूम के तमिलनाडु जाके वापस आई तो वो जो एक्सपोजर मैंने गेन किया उसके बाद मुझे अभी बहुत ज्यादा ऐसा प्राउड फील होता है दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है उस प्रोग्राम में पार्ट लेने की और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने हमारे जैसे युवाओं के लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया जिससे हम भारत के विभिन्न भागों के कल्चर को अडेप्ट कर सकते हैं। विशाखा जी, आप क्या पढ़ती हैं? मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा विशाखा जी, आपने किस राज्य में जाना है, कहाँ जुड़ना है, वो निर्णय कैसे किया? जब मैंने ये युवा संगम के बारे में सर्च करना शुरू किया गूगल पे तभी मुझे पता चल गया था कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु के डेलीगेट्स के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। तमिलनाडु काफी रिच कल्चरल स्टेट है हमारे कंट्री का, तो उस टाइम भी मैंने जब ये जाना ये देखा कि बिहार वालों को तमिलनाडु भेजा जा रहा है तो इसने भी मुझे बहुत ज्यादा मदद किया ये डिसीजन लेने में कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए वहां जाना चाहिए या नहीं। और मैं सच में आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने इसमें पार्ट लिया और मुझे बहुत खुशी है। जी, आपका पहली बार जाना हुआ तमिलनाडु? मैं पहली बार गई थी। अच्छा, कोई खास यादगार चीज अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? देश के युवा सुन रहे हैं आपको। जी, पूरा जर्नी माने तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। एक एक पड़ाव पे हमने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। मैंने तमिलनाडु में जाके अच्छे दोस्त बनाए हैं, वहाँ के कल्चर को अडेप्ट किया है, वहाँ के लोगों से मिली मैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वहाँ पे वो पहली चीज तो ये कि किसी को भी मौका नहीं मिलता है इसरो में जाने का, और हम डेलीगेट्स थे तो हमें ये मौका मिला था कि हम इसरो में जाएं। प्लस दूसरी बात सबसे अच्छी थी वो थी जब हम राजभवन में गए और हम तमिलनाडु के राज्यपाल जी से मिले, तो वो दो मोमेंट जो था वो मेरे लिए काफी सही था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में हम है एज अ यूथ हमें वो मौका नहीं मिल पाता जो कि युवा संगम के थ्रू मिला है, तो ये काफी सही और सबसे यादगार मोमेंट था मेरे लिए। बिहार में तो खाने का तरीका अलग है, तमिलनाडु में खाने का तरीका अलग है, जी, तो वो सेट हो गया था पूरी तरह। वहां जब हम लोग गए थे तो साउथ इंडियन क्विजीन है वहां पे तमिलनाडु में, तो जैसे ही हम लोग गए थे तो वहां जाते के साथ हमें डोसा इडली सांभर उत्तपम वड़ा उपमा ये सब सर्व किया गया था। तो पहले जब हमने ट्राई करा तो दैट वाज टू गुड। वहां का खाना जो है वो बहुत ही हेल्दी है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा टेस्ट में भी बेहतरीन है और हमारे नॉर्थ के खाने से बहुत ही ज्यादा अलग है, तो मुझे वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। अब तो दोस्त भी बन गए होंगे तमिलनाडु में। जी, वहाँ पे हम रुके थे NIT त्रिची में, उसके बाद IIT मद्रास में, तो उन दोनों जगह के स्टूडेंट से तो मेरी दोस्ती हो गई है। प्लस बीच में एक CII का वेलकम सेरेमनी था तो वहाँ पे वहाँ के आसपास के कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो वहाँ हमने उन स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। काफी लोग तो मेरे दोस्त भी हैं और कुछ डेलीगेट से भी मिले थे जो तमिलनाडु के डेलीगेट बिहार आ रहे थे, तो हमारी बातचीत उनसे भी हुई थी और हम अभी भी आपस में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो विशाखा जी, आप एक ब्लॉग लिखिए और सोशल मीडिया पे ये आपको पूरा अनुभव, एक तो इस युवा संगम का, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और फिर तमिलनाडु में अपनापन जो मिला, जो आपको स्वागत सत्कार हुआ, तमिल लोगों का प्यार मिला, ये सारी चीजें देश को बताइए आप। तो लिखोगी आप? जी जरूर। जी, तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
नमस्कार। ग्यामर और विशाखा, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा संगम में आपने जो सीखा है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना है।